हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंसूर इंग्लिश क्लासेस बाय दानिश सर। दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे नंबर सिस्टम के बारे में। दिस इज द की टू लर्न द मैथ। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो मैथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है गाइस वो होता है नंबर सिस्टम। अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आता तो समझ लीजिए आपसे मैथ के अंदर कुछ नहीं आ सकता। तो सबसे पहले हमें मैथ के अंदर नंबर सिस्टम को समझना होगा, तभी आप आगे की चीजें सीख सकते हैं। सो चलते हैं गाइस, हम आपको सिखाने वाले हैं आज की वीडियो में नंबर सिस्टम क्या होता है। सो गाइस, नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं गाइस वास्तविक संख्याएं। देखो रियल नंबर जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। पहला होता है गाइस रैशनल नंबर। क्या होता है हमारा? रैशनल नंबर। ठीक है, पहला होता है हमारा रैशनल नंबर। अच्छा, दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है हमारा इरैशनल नंबर। क्या होता है गाइस? इरैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो रैशनल नंबर हमारे अलग अलग टाइप से, बहुत टाइप से होते हैं, और इरैशनल नंबर कुछ ही टाइप से होते हैं। इसमें बहुत कम दे रखा होता है। इरैशनल नंबर मतलब होते तो बहुत सारे पर बहुत कम होते हैं। जैसे अगर हम समझें तो देखो रैशनल नंबर के अंदर ही हमारा होता है, ठीक है गाइस, रैशनल नंबर के अंदर ही हमारा मिलता है नेचुरल नंबर। क्या होता है हमारा? नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या होता है? नेचुरल नंबर। इसी के अंदर होता है हमारा होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। इसी के अंदर होते हैं हमारे इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स। इसी के अंदर होते हैं हमारे गाइस, इसी के अंदर होते हैं हमारे इवन नंबर। इसी के अंदर हमारे होते हैं ऑड नंबर। क्या होते हैं हमारे? ऑड नंबर भी हमारे इसी के अंदर होते हैं गाइस, ऑड नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के अंदर जो होते हैं हमारे ये सारे के सारे मतलब रैशनल नंबर में आ जाते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, तो ये हमारे सारे की जो सारी कैटेगरीज होती है वो सारी की रैशनल नंबर्स के अंदर आती है। अच्छा, अगर हम बात करें इरैशनल नंबर की तो इरैशनल नंबर जो होते हैं हमारे बहुत ही कम टाइप्स के होते हैं, जो रूट्स में होते हैं, जैसे रूट थ्री, ठीक है, रूट टू एक्सेट्रा। पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रूट्स के अंदर भी होने पर भी वो इरैशनल नहीं होते, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल से। तो हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने वाले हैं इसी वीडियो में कि रैशनल क्या होता है, इरैशनल क्या होता है, और ये नेचुरल क्या होता है, ओड क्या होता है, इवन क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। तो आगे बने रहिएगा ध्यान से। देखो अब हम बात कर रहे हैं नंबर वाले से, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गाइस प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो ये होता है p / q के फॉर्म में। जो भी नंबर इस तरीके से लिख जाता है p / q, और यहां पर एक कंडीशन होती है कि q इज नॉट इक्वल 0, यानी इसका मतलब हो गया q इज नॉट इक्वल, इसको पढ़ते हैं ऐसे, अगर कोई भी साइन बना होता है वो है कि मतलब बराबर नहीं होगा, q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब कहने का यह है कि p की जगह तो आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, x, y, z, a, 1, 2, 3, 4, 5, 0, etc. पर q जो है ना, p की जगह आप बंद लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आप अगर यहाँ 0 लिख रहे हैं पर q की जगह जो है 0 नहीं आ रहा, ठीक है, we can not use the 0 in place of q। तो अगर हम यहाँ पर 0 यूज कर देंगे तो हम इसको रैशनल नंबर नहीं कह सकते। पर अगर हम इसके नीचे बंद करते तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हमारी कंडीशन है। जैसे मान लो कोई भी नंबर लिख दिया मैंने 4/5, तो दिस इज द रैशनल नंबर गाइस। जो भी हमारा p / q की तरह होता है, यानी इस तरीके से लिखा होता है, तो वो होता है हमारा रैशनल नंबर। बहुत सारे बच्चों को यही पता कि p / q मतलब क्या, p की जगह आप कुछ भी नंबर लिख दो, q की जगह कुछ भी लिख दो, बस 0 नहीं आना चाहिए वहां पर, कंडीशन ये है। तो आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी ओड नंबर की, तो ओड नंबर की हम बात करें तो ओड एक ऐसा नंबर होता है जिसमें 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड द ओड नंबर। जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसको हम ओड नंबर बोलेंगे। ऐसा कोई भी नंबर लो, जैसे फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 9, 7, etc. ठीक है, ऐसे नंबर लेंगे तो वो सारे के सारे क्या आएंगे हमारे ओड नंबर। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की तो जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सारे के सारे क्या होंगे हमारे नेचुरल नंबर, बस किसको छोड़कर, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। अब नेचुरल और होल नंबर में बस यही डिफरेंस है, अगर 0 आ गया हमारा, जिसमें 0 ऐड आ जाएगा यानी 0 शामिल हो जाएगा, वो हमारा होल नंबर होता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं तो आपको पता होना चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स कोई अलग से नहीं होते,
इंटीजर्स भी यही होते हैं। देखो इंटीजर्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स यानी प्लस वाले इंटीजर्स और एक माइनस वाले इंटीजर्स, यानी जिसके साथ में प्लस होगा वो प्लस का इंटीजर्स कहलाएगा, जिसके साथ में माइनस होगा वो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम बस इतने समझना है हमारा माइनस का इंटीजर्स हो जाएगा ऐसे समझ सकते हैं। जैसे हमारा इंटीजर 2, तो 2 का ऐसे तो एक नंबर तो है पर इसके साथ क्या है प्लस है, तो ये इंटीजर्स भी होगा और नंबर भी यही होगा, पर इसके प्लस है तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएगा। अच्छा अगर हम इसी को मान लो इस 2 के अगर हम माइनस का लगाते हैं तो ये 2 क्या हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर्स बन जाएगा, इस क्या बन गया नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, तो उसी को बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में समझ में आ गया होगा। अच्छा इवन नंबर क्या होता है, देखो इवन नंबर हमारा सिंपली जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, यानी ऐसे कुछ समझ लेना जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 होगा वो हमारा क्या होगा इवन नंबर होगा गाइस। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, नेचुरल होल इंटीजर्स इवन और ऑड नंबर्स मैंने आपको सिखाए जो कि रैशनल नंबर्स के काइंड्स में से आते हैं। नंबर एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर की ये कैटेगरीज है और इरैशनल नंबर को मैं बताने वाला हूं। सो गाइस इरैशनल नंबर यानी जैसे कि पाई, ठीक है, पाई हमारे एक रैशनल नंबर के अंदर आता है। अच्छा जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं गाइस वो भी सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, पर ध्यान से देखना। अच्छा मैंने लिखा √3, क्या लिखा गाइस √3, तो यहां पर अगर √3 की बात करें तो √3 जो है हमारा रैशनल नंबर तो होगा या नहीं होगा, आप बोलेंगे सर होगा √3 क्योंकि रूट लग गया, पर अच्छा मैं बात करूं गाइस √9 की, तो आप बोलेंगे सर हाँ ये √9 भी रैशनल नंबर होना चाहिए, क्या आपने बोला रूट वाले नंबर जो थे रैशनल नंबर थे, नहीं गाइस ध्यान रखना जो पीएमओ की तरह नहीं मिले हैं वो रैशनल हो गए ऐसे मान लीजिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सेम होती है कि जो पीएमओ के रूप में नहीं लिखे जाए, जो इस तरीके से नहीं लिखे जा सके वो इरैशनल होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें 9 की, तो देखो 9 के अंदर रूट तो है, ठीक है रूट तो है, पर ये 9 जो हम इसको ये स्क्वायर रूट है 3 का, यानी 3 के 9 जो है 3 के स्क्वायर है, हम इसको 9 को 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है 9 = 3, जितने भी हमारे स्क्वायर रूट थे 16 मिल गया, अब 16 किसका स्क्वायर होगा 4 का गाइस, तो हम इसको रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। जैसे मैंने बोला 1 = 44, ये किसका स्क्वायर है 12 का, तो दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होंगे जो हमारे स्क्वायर वाले नहीं होंगे, यानी जो भी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाए, क्योंकि अगर हम 3 को कितना भी कोशिश करेंगे तो इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। सो आई होप गाइस यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे क्वेश्चन लिखा है आपके लिए जो कि क्लास 9 का भी है और क्लास 8 में भी पूछा जाता है, अगर आप क्लास 8 और 9 में हैं तो समझ लो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लेकर किसी भी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, यानी कि आप किसी एग्जाम से पूछा जाएगा। तो इसका क्वेश्चन पढ़ने देता है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, यानी 2 और 12 के बीच के जितने भी हमारे रैशनल नंबर है, यानी क्या काम है रैशनल नंबर फाइंड करने, यानी रैशनल नंबर हमें बताने कि 2 और 12 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, तो कैसे निकालेंगे सबको कुछ नहीं करना, इसके जो मेथड्स तो बहुत सारे होते हैं गाइस, पर मैं आपको सिंपली मेथड बता रहा हूं। सबसे आपको लिखना सबसे पहले 2 और इधर लिखना है आपको 12, ठीक है। अब हम 2 की अगर बात करें तो 2 के नीचे भी हम 1 मान सकते हैं और इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, ठीक है, वी कैन कंसीडर द 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है कितने नंबर के अंदर वाला है वो 6, 6 से अगला नंबर कौन सा है गाइस 7, तो हम 7 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम 2 7 से करते हैं गाइस 40 और 1 7 7, यहां पर अगर हम बात करें तो कितने हैं 12, 12 7 जा 84 और 7 बन जा 7, तो ये हमारा यहां पर हो गया। अब अगर हम बात करें अगले इसके बीच के जितने नंबर होंगे, तो हम इसके नीचे 5 नंबर हो गया है 6 नंबर, तो हम सबसे पहले नीचे 7 मानेंगे, इसके नीचे भी 7, इसके नीचे भी 7, इसके नीचे भी 7 और इसके नीचे भी 7, नीचे जो हम 7 लिखेंगे और ऊपर 14 के बाद क्या था 15 16 17 18 और 19, आप इसको चाहे तो और भी लिख सकते हैं, देखो 20 अगर कुछ ज्यादा पूछेगा तो ज्यादा, हमें बीच की कोई भी आंसर नहीं है, ये हमारे 15/7 16/7 17/7 18/7 और 19/7 ये क्या हो गए हमारे आंसर हो गए, इसके बीच के नंबर हो गए। तो आप इसको बता सकते हैं इस तरीके का, अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप गाइस
बाकी की वीडियोस आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, हम समझाने वाले हैं आपको डिटेल्स सारा सिलेबस क्लास 8 और 9 का। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।